कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं शिल्पी जैन विद्या बाल भवन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की हिंदी की अध्यापिका हूँ। और बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विलोम शब्द के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे विलोम शब्द के बारे में। तो बच्चों, विलोम शब्द के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। क्या सुनाऊंगी? एक कहानी। और आप सबको वो कहानी बहुत ध्यान से सुननी है, ठीक है? सुनेंगे ना? ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी कहानी। तो बच्चों, एक था, कौन था? एक था राजा। कौन था बच्चों? एक था हमारा राजा। और एक था रंग। कौन था एक? एक था रंग। दिख रहा है आपको? एक था राजा और एक था रंग। अब जो राजा था वो था मोटा। कैसा था राजा? राजा था मोटा। वो अच्छे से खाता पीता था, वो था मोटा। और जो रंग था, उस बेचारे को कुछ खाने पीने के लिए नहीं मिल पाता था सही से, क्योंकि उसके पास इतने पैसे ही नहीं होते थे। तो वो कैसा था? पतला। रंग कैसा था? पतला। और राजा, पता है राजा तो हर समय पता नहीं क्यों, क्योंकि क्या होता है, राजा के पास बहुत सारे काम होते हैं करने के लिए, ये काम वो काम। तो राजा थोड़ा सा क्या रहता था? उदास रहता था। कैसा रहता था राजा? उदास रहता था। और रंग को तो कोई परेशानी नहीं थी, कोई ऐसा काम नहीं, नाम नहीं, मतलब कोई टेंशन नहीं, किसी तरह की कुछ भी परेशानी नहीं। तो रंग रहता था बहुत ही खुश, समझे? क्या राजा रहता था उदास और रंग रहता था खुश। और राजा को तो बड़ा घमंड था कि मैं तो बहुत मतलब बड़ा राजा हूँ, ये मेरे पास इतनी धन संपत्ति है। तो इसलिए राजा सबसे बोलता था कड़वा। कैसा बोलता था वो? सबसे कड़वा बोलता था। और जो रंग था वो सबसे, पता है बच्चों कैसे बोलता था? वो सबसे बोलता था मीठा। कैसे बोलता था वो? सबसे मीठा बोलता था। और क्योंकि राजा सबके साथ कड़वा बोलता था, तो राजा के थे बहुत सारे शत्रु। क्या बन गए? राजा के बहुत सारे शत्रु बन गए। क्योंकि जब हम किसी से अच्छा नहीं बोलेंगे, मधुर नहीं बोलेंगे, मतलब जब हम दूसरों से कड़वा बोलेंगे, कटु वचन बोलेंगे, तो क्या कोई हमारा मित्र बनेगा? बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो राजा सबसे कड़वा बोलता था, इसीलिए राजा के थे बहुत सारे शत्रु। और रंग सबसे मीठा बोलता था, तो इसीलिए रंग के थे बहुत सारे मित्र। और एक बार क्या हुआ, एक बार राजा क्योंकि कड़वा बोलता था तो उसके बहुत सारे शत्रु थे, तो उसके शत्रुओं ने कर दिया आक्रमण। अब आक्रमण में क्या हुआ कि राजा तो डर के मारे चला गया छत के ऊपर। कहाँ चला गया राजा? छत के ऊपर चला गया। और रंग तो था बड़ा ही बहादुर, तो उसने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा ऊपर, मैं तो यही शत्रुओं से क्या करूंगा, युद्ध करूंगा। तो इसीलिए रंग रहा नीचे। राजा कहाँ चला गया था? ऊपर। और रंग कहाँ रहा? नीचे। तो पता है क्या हुआ, जब रंग ने सबसे लड़ाई करी, सब कुछ किया, तो राजा के शत्रु जो थे ना वो गए हार। और जो रंग था वो गया जी। रंग क्या कर गया? रंग जीत गया, है ना बच्चों? तो अब हम फिर से एक बार कहानी की ओर चलते हैं और ध्यान देते हैं कि कौन से शब्द यहाँ पर आ रहे हैं। राजा कैसा था? मोटा था। रंग कैसा था? पतला था। राजा रहता था उदास,
और रंग रहता था खुश। राजा बोलता था सबसे कड़वा और रंग बोलता था सबसे मीठा। राजा के थे बहुत सारे शत्रु और रंग के थे बहुत सारे मित्र। राजा जब युद्ध हुआ तो राजा डर के चला गया ऊपर और रंग रहा नीचे। और जब रंग ने की लड़ाई तो जो राजा के शत्रु थे वो गए हार और रंग गया जीत। तो बच्चों, क्या आपने ध्यान दिया कि हर एक शब्द इधर वाले शब्दों का उल्टा अर्थ बता रहा है? जैसे यहाँ पे है राजा तो यहाँ पे आ गया रंग, यहाँ है मोटा तो मोटे का उल्टा हो गया पतला, उदास उदास का उल्टा हो गया खुश, कड़वा कड़वा का उल्टा हो गया मीठा, शत्रु शत्रु का उल्टा क्या हो गया मित्र, ऊपर ऊपर का उल्टा क्या हो गया नीचे, और हार का उल्टा क्या हो गया जी। जी हाँ बच्चों, तो आपको समझ में आया विलोम शब्द किसे कहते हैं? चलते हैं हम अपनी परिभाषा की ओर। एक दूसरे का उल्टा अर्थ रखने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। मतलब ऐसे शब्द जो एक शब्द का उल्टा अर्थ रखते हैं। जैसे हमने अभी कहानी में पढ़ा कि एक राजा था तो एक रंग था। राजा कौन होता है? जिसपे बहुत सारी धन संपत्ति होती है, जो पूरे राज्य पर क्या करता है शासन करता है। और रंग बेचारा बहुत गरीब, जिसके पास न रहने के लिए घर होता, न खाने के लिए खाना होता, न पहनने के लिए अच्छे से कपड़े होते। तो हो गया ना उल्टा। राजा था जैसे कि मोटा, हमने बताया राजा का जैसा मोटा था और रंग कैसा था पतला था। तो ये शब्द क्या बता रहे हैं? ये शब्द इन शब्दों का उल्टा अर्थ बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? ये शब्द इन शब्दों का उल्टा अर्थ बता रहे हैं। तो ये क्या कहलाएंगे? हमारे विलोम शब्द। क्या कहलाएंगे बच्चों? विलोम शब्द। ठीक है, अभी जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि चलिए जल्दी से अपने हाथ करिए ऊपर और फिर अपने हाथ करिए नीचे। क्या करेंगे? हाथ करेंगे ऊपर, फिर हम अपने हाथ करेंगे नीचे, है ना बच्चों? तो समझ में आया आपको कि विलोम शब्द किसे कहते हैं? ठीक है, अब हम क्या करते हैं? अब हम चलते हैं अपने अभ्यास कार्य की ओर, उचित विलोम शब्द पर सही का चित्र लगा। तो पहला विलोम शब्द है आशा। आशा का विलोम शब्द क्या होगा? निराशा। और वीर क्या है? वीर। वीर का विपरीत क्या होगा? कायर। प्रेम। प्रेम का विपरीत शब्द क्या होगा? अर्थात प्रेम का विलोम शब्द क्या होगा? घृणा। प्रकाश। प्रकाश का विलोम शब्द क्या होगा? प्रकाश मतलब उजाला, मतलब रोशनी। तो प्रकाश का विपरीत क्या होगा? अंधकार, यानी कि अंधेरा। उसके बाद क्या है? गर्म। गर्म का मतलब क्या होगा? ठंडा। ठीक है, समझ में आया सभी को? अब हम चलते हैं अपने रिक्त स्थान की ओर। व्यापार में लाभ डैश तो लगी रहती है, लाभ तो लगी रहती है। या तो लाभ होगा या फिर क्या होगा? हानि। क्या होगा? हानि। संसार में ना कोई छोटा है और ना ही कोई, बताइए बताइए, संसार में ना कोई छोटा है और ना ही कोई, बताएंगे आप लोग? बिल्कुल सही, ना कोई बड़ा। उसके बाद अजय ने रात डैश कड़ी मेहनत की। अजय ने रात कड़ी मेहनत की। तो रात का विपरीत शब्द क्या होगा बच्चों? दिन। रात का विपरीत शब्द क्या होगा? दिन। अगला वाक्य है, कोई हंसकर जीता है तो कोई, तो बच्चों हंसने का विपरीत शब्द क्या होता है? रोना। तो हमारा शब्द क्या आएगा? कोई हंसकर जीता है तो कोई रोकर।
क्या आएगा बच्चों? रोकर। तो बच्चों जो शेष एक वाक्य है वो आप सर्व करेंगे। उम्मीद करते हूँ कि आपको आज का विलोम शब्द और अभ्यास कार्य बहुत अच्छे से समझ में आया।